आओ आओ बैठो। अच्छा किया कपड़े बदल लिए, बाल भी धो लिए। तो तुम लोगों की तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई है ना? ऐसी वैसी, I'm just glad के अमीर जैसे दोस्त मुझे मिल गया। और आप जानती हैं, इसका भी मुझसे पहले कोई दोस्त नहीं था। He's also a loner. क्यों? ये निवाले छीन कर भाग गया था बच्चों। आप बहुत हसमुख हैं। है ना? I like you. I like you. हाँ क्या हुआ? अरे तो जाकर पूछो लोगों से, इधर उधर जो यहाँ पे नजदीक लोग हैं उनसे पूछो जाके कहाँ गए। जाओ। Hey, तुम कहाँ जा रहे हो? सर वो मेन गेट पे तो नहीं है ना? हाँ। हो सकता है पीछे वाले गेट पर हो। हाँ। देख रहा हूँ सर। हाँ देखो देखो। अच्छा तो बेटा तुम अपने बारे में कुछ बताओ, अपना खानदान, कदरदान, मेहरबान वगैरह वगैरह के बारे में। इसका दुनिया में कोई है नहीं। अकेले? और तुम तो काफी ज्यादा जान गई हो नहीं इसके बारे में। थोड़ा सा। जमशेद 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 आप भाग जाओ जल्दी से, भाग जाओ। क्या कर रहे हो? अरे भाई वहां से नहीं, और सुनो भागो, तुम तो भागो। फिर फोन ले जाओ, काम आएगा। और अगर इसके साथ कोई केमिस्ट्री बन जाए ना तो सोचना इसके बारे में। अच्छा लग रहा है लड़का। चा, 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 चा। अरे अब कहाँ हो गया? इसी घर में हो गया सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। दोनों इसी घर में थे, अभी पिछली वाली दीवार कूद कर भागे और इस बार वो मेरी गाड़ी ले गए। क्या? बच्चा बगल में और ढिंडोरा पूरे शहर में? अबे तुझे कैसे पता लगा कि वो दीवार फलांग कर भागे हैं? इतनी घर में सिक्योरिटी है, वो अंदर आए कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शुक्र है बाल बाल बच गए। हाँ शुक्र है दादी ने हमारी हेल्प कर दी, वरना हम तो पकड़े जाते। वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो मेरे पापा के क्लोथ में। तंज कर लो बस तुम। वैसे तुम्हारे पापा के कपड़ों की कलेक्शन बड़ी जबरदस्त है। थैंक्स टू मी, थैंक्स टू दादी। कितनी स्वीट और नाइस है ना। मैं तो वैसे तुम्हारी भी काफी तारीफ कर रही थी। वैसे एक काम अच्छा हो गया, उस मैनेजर शाहिद की गाड़ी मेरे हाथ लग गई। अब देखो मैं कैसे इस गाड़ी को यूज करके उसे बदले लेता। मैंने वॉचमैन को उल्टा लटका दिया। क्यों? वो चमगादड़ है क्या? नहीं, उसने मेरी ताई की छोटी सास की बड़ी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। अरे जमशेद, बेटी के गम की वजह से लगता है तुम्हारे दिमाग के सिग्नल बिल्कुल वीक हो चुके हैं। बकौल वॉचमैन के, वो मुझे सरप्राइज देना चाह रही थी और वो सरप्राइज ये रही। ऑनलाइन मंगवाए थे, क्वालिटी अच्छी नहीं। आपने कब से बुरके पहनने शुरू कर दिए? बस ऐसे ही वो ट्राई कर रही थी मैं। अब देखो ना बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह भी तो करना होता है ना। अम्मा आपने दोनों को एंटरटेन किया है। अरे मैं कोई मस्खरी हूँ जो एंटरटेन करूंगी? खुशी के पास कपड़े नहीं थे, वो लेने के लिए आई थी अमीर के साथ बस। शायद ठीक कह रहा था, खुशी अपनी मर्जी के साथ नहीं गई, वो उसको उस लड़के अरे ने... नहीं नहीं, वो तो बड़ा नेक शरीफ खानदानी लड़का है, हैंडसम भी है। और जिस तरह से वो खुशी की बातें सुन रहा था ना, मुझे तो यूं लगता है कि खुशी ने उसको अगवा किया है। वो तो मुफ्त में बदनाम हो रहा है बेचारा। आप तो कैसे दोनों का साथ दे रही है? ऐसा साथ दे रही है जैसे बंदूक के साथ गोली होती है। आप क्यों कर रही है ऐसे? गलत कर रही है। अच्छा अच्छा, उसके बचपन का कोई किस्सा सुनाना चाह रहे हो तुम? चलो सुनाओ। एक दफा मैं खुशी को बचपन में अपने साथ होटल लेकर गया। होटल में एक कस्टमर सूप पी रहा था, उसके सूप में मक्खी आ गई, उसने शिकायत की। तो पता है खुशी ने उसके पास जाकर क्या बोला? उससे कहा कि दिल बड़ा करो, मक्खी इतनी सी है, कितना सूप पी लेगी। हाय कितनी जहीन है मेरी बच्ची। और पता क्या, वो अमीर जो है ना, वो भी इतना ही जहीन है। अगर अमीर का रायता बनाकर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसको नया ब्रांड बनाकर ना बेचाला, तो मेरा नाम भी जमशेद बंदूक वाला नहीं, जातन।